नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको विस्तार से जो ये तीन कृषि कानून केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मई महीने में पारित किया उसके बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पहला जो कृषि कानून है वह यह है दोस्तों, हम जो भी आपको जानकारी देंगे एकदम सरल भाषा में देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जो कानूनी प्रक्रिया में जो शब्द लिखे गए हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम आपको सरल व्यवहार की भाषा में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो कृषि कानून का मतलब है वह यह है कि अब कोई भी व्यापारी अथवा उद्योगपति जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे दाल, चीनी, आलू, प्याज, गेहूं, चावल, उसको जितना चाहे 1 लाख टन, 2 लाख टन, 10 कुंटल, 50 कुंटल, 1000 कुंटल उसे खरीद कर अपने गोदाम में रख सकता है। अब सरकार उसे प्रतिबंधित नहीं करेगी और सरकार ने यह नियम बना दिया है कि जो जितना चाहे उतना खरीद कर उसे भंडारण कर सकता है। और पहले यह नियम नहीं था। आप ज़रा विचार कीजिए कि जब कोई भी व्यापारी किसानों से आलू, प्याज, दाल, चावल जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसे खरीद कर अपने गोदामों में सेव कर लेगा और सरकार भी नहीं रोक सकती क्योंकि अब तो कानून बन गया है। तो आप ज़रा विचार कीजिए, वह मार्केट में जब कोई भी चीज़ सस्ता रहेगा तो उसे खरीदेगा और उस चीज़ को अपने गोदाम में फिट कर लेगा। और जब मार्केट में दाम बढ़ेंगे यूँ कहिए कि वह खुद बढ़ाएगा क्योंकि भंडारा वह कर लिया है, किसान के पास तो आमदनी है नहीं, किसान के पास इतना पैसा है नहीं कि उसे भंडारा करें, वह तो किसी तरह से अपना रोजी रोटी कमाता है, एक फसल बेचने के बाद दूसरा फसल बोने की उसकी प्रयास रहता है क्योंकि उतना आर्थिक रूप से समृद्ध भारतीय किसान है नहीं। तो वह व्यापारी जो खरीदा रहेगा वह अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में बेचेगा, ऊँचे दामों पर बेचेगा। जो चीज़ वह जो आलू वह 2 रुपया किलो खरीदेगा, 5 रुपया किलो खरीदेगा, उसी आलू को वह 50 रुपया मार्केट में बेचेगा, 100 रुपया बेचेगा। और आप देख रहे होंगे उसका खामियाजा भुगत रहा है भारत। जो आलू किसान अपना 8 से 10 रुपया में बेचता है, जो भी आम सीजनों में जो भी खेतों में बेचता है किसान, कुछ बार तो ऐसा होता है कि किसान सड़कों पर आलू फेंकते थे, 1-2 रुपया किलो कोई पूछने वाला नहीं था, और आज वही आलू मार्केट में 50 रुपया किलो, 40 रुपया किलो बिक रहा है। प्याज देखे होंगे आप 100 रुपया किलो तक पहुंचा था, आज वही प्याज 40-50 रुपया, 60 रुपया किलो बिक रहा है। और किसान का आलू प्याज होता है तो 10 रुपया कीमत कोई नहीं देता है। हम लोग स्वयं किसान हैं, स्वयं आलू और प्याज का उत्पादन करते हैं, जब पैदावार हो जाता है तो 5 रुपया किलो तक नहीं सही से बिक पाता है। आज वही किसान को जब बोने का समय आया तो 30-40 रुपया किलो खरीद कर किसान बोया है और 50-60 रुपया किलो मार्केट में प्याज आलू बिक रहा है। तो आप समझिए यह सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा किसानों को फ़ायदा पहुंचाना नहीं, सरकार की मंशा है व्यापारियों को, बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ कमाने की, क्योंकि वही उनसे ही सरकार लाभ कमा रहा है। उनसे जो भी वह बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सेठ हैं, वह पार्टी फंड में चंदा देते हैं और सरकार को उससे फ़ायदा होता है। इसलिए सरकार ने किसानों के लिए एक कानून नहीं, ये कानून सही मायनों में उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया है। और आपको हम बताना चाहते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ आज़ादी के 4-5 साल बाद ही 1952 में हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो देश के जो हमारे कृषि मंत्री थे और उतने समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू और देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े नेताओं ने जब इस पर चर्चा किया तो वो पाए कि आखिर में क्यों अचानक जो भी है हमारी दाल, चीनी, आलू, प्याज, क्यों इसका रेट अचानक बहुत मार्केट में कई गुना बढ़ गया। तो उसका विश्लेषण हुआ, उसका जो भी जांच पड़ताल हुआ तो उसमें यह पाया गया कि जो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वे अपने किसानों से जो कम दाम पर सामान को खरीद कर और वो अपना बड़ा बड़ा गोदाम बनाकर उसमें उसे
कैद कर लिए हैं, गोदाम में सेव कर लिए हैं और मार्केट में थोड़ा थोड़ा ही लॉन्च कर रहे हैं, और जो भी वह चीज़ें हैं उसको एकदम 10 से 20 गुना कीमत पे बेच रहे हैं, और जिसके कारण हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, देश की जो भी आम जनता थी वो परेशान हो गई। और जब छापा मारा गया तो बहुत जगह ऐसे बड़े बड़े गोदाम मिले जिसमें अधिक मात्रा में प्याज, दाल, आलू, जो भी आवश्यक वस्तुएं थीं वो पाई गईं। तो सरकार ने देखा कि ये लोग कम दाम पर खरीद कर मार्केट में ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं, जिससे आम जनता कम रेट की चीज़ें अधिक रेट पर खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि मार्केट में दूसरे के पास था नहीं, ये गोदाम में अपने सेव कर लिए थे। तो उतनी समय की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसने एक कानून बनाया कि अब कोई भी व्यापारी अथवा उद्योगपति अथवा सेठ अब अधिक मात्रा में जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी जो दिनचर्या की वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, उसे अपने गोदामों में अधिक मात्रा में उसे स्टोर नहीं कर सकता। अगर स्टोर करेगा तो भारत सरकार करेगा, क्योंकि अगर भारत सरकार स्टोर करेगा तो अगर कोई भी चीज़ अगर मार्केट में ऊँचे दाम पर उसका रेट बढ़ गया तो सरकार उसे मार्केट में लॉन्च करेगा, मार्केट में लाएगा और उसे जो भी उसका न्यूनतम प्राइस रहेगा उस पर सरकार बेचेगी, ताकि जो हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रहा था उस महंगाई पर कंट्रोल पा लिया जाए। वह जो कानून बना 1952 में, तब से वह कानून आज तक चल रहा था, इसीलिए ताकि कोई भी व्यापारी सेठ अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुओं को स्टोर न करें और महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। वह कानून तब से आज तक चल रहा था, लेकिन यह मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार ने उस कानून को उल्लंघन करके और एक नया कानून बनाया जो निश्चित रूप से अधिक उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। तो आप समझ गए, ये पहला कानून। अब हम आपको दूसरा कानून समझा रहे हैं। जो दूसरा कानून है वह है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती। अब आप समझिए कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी व्यापारी आएगा और दो चार, एक गांव, दो गांव, 10 गांव के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि आप आलू बोइए, हम आपका आलू 10 रुपया किलो खरीदेंगे। ठीक, किसानों ने आलू बो दिया और वो आए, आलू को जब आलू पैदावार हो गया तो वो आलू को 10 रुपया किलो खरीदेंगे। और आप समझिए हमारी बात को, यह निश्चित नहीं है कि 1 एकड़ में 50 कुंटल आलू होगा कि 80 कुंटल आलू होगा। अब बात को समझिए, कभी कभी ऐसा होता है मौसम के हिसाब से ही पैदावार होता है, और वह जो व्यापारी रहेंगे वह तो एक निश्चित सीमा तक ही कट रहे हैं, मान लो हमको 50 कुंटल या 100 कुंटल या 10 टन या 20 टन हमको आलू चाहिए। अगर उस सीमा से अधिक उत्पादन हो गया तब तो वो आलू को जो रेट तय किए रहेंगे, कहेंगे कि हम भाई इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो मजबूर हो जाएगा किसान कि कम दामों पर बेचेगा, नहीं बेचेगा तो उसका नुकसान होगा। अगर पैदावार कम हो गया तो अगर उसने 10 रुपया फिक्स कर लिया है, पैदावार कम हो गया तो पैदावार कम होने की स्थिति में क्या होता है, जो भी फसल है उसके दाम बढ़ जाते हैं, और जब पैदावार कम होने के नाते दाम बढ़ जाएंगे और उसने 10 रुपया फिक्स कर लिया, मानते मार्केट में दाम 20 रुपया हो गया, तब भी वो 10 रुपया होगा। मतलब अधिक पैदा हुआ तो किसानों का हानि, कम पैदावार हुआ तब भी किसानों का हानि। अब समझ, इस बात को समझिए, यानी दोनों मायनों में इन व्यापारियों का लाभ होगा। और किसान मांग क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए जो भी कंपनियां आएंगी वह कम से कम समर्थन मूल्य पर ही चीज़ों को खरीदें। और सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि जो MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी फसलों का दाम है उस पर वो व्यापारी या वो जो भी उद्योगपति रहेंगे वो उस फसलों को खरीदेंगे, या कहीं नहीं लिखा है। तो आप समझिए, कोई भी चाहता है कि हम कम से कम दामों पर ही खरीदें, व्यापारी भी चाहेंगे, वो भी जो भी आएंगे वो भी चाहेंगे कम से कम ही प्राइस पर खरीदें। तो सर, किसानों ने यही तो मांग कर रहा है
कि जो भी हमारा फसल बिके, जो भी वो आए तो वो MSP पर ही खरीदें। अगर MSP पर खरीदते हैं तो हम उनको देंगे, अगर हम MSP पर नहीं खरीदते हैं तो हम मार्केट में जहां मिलेगा हमें उचित रेट हम वहां बेचेंगे। लेकिन सरकार इस MSP को ही कृषि कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि MSP पर ही वो व्यापारी अथवा जो भी उद्योगपति आएंगे वो MSP कम से कम MSP पर ही खरीदेंगे। इस बात को आप समझिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो मामला है वो पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनके पास जो खेती है वह 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में अधिकतम किसानों के पास यही खेती है। और जो UP और बिहार के किसानों के पास खेती है वह 2 हेक्टेयर से कम के ही 90% किसान हैं। तो हमारे वहाँ के जो किसान हैं वह बहुत कम मात्रा में ही अपने जो भी है गेहूं चावल उनके पास कम उत्पादन होता है, तो वो कम मात्रा में ही मार्केट में बेच पाते हैं। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो अपने फसलों को, उनके पास ज़्यादा उत्पादन होता है, उनके पास खेती ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेचते हैं। और भारत का में जो भी MSP पर खरीद होती है उसका आंकड़ा अगर उठाकर देखा जाए तो भारत में सिर्फ 6% किसान ही MSP पर अपने फसलों को बेच पाते हैं। क्योंकि भारत किसान इतने समृद्ध तो हैं नहीं, आर्थिक रूप से इतने मजबूत तो हैं नहीं कि वो अपने फसल को पैदा करके 4 महीने 5 महीने घर में रख पाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत रहती है और अगला फसल उन्हें बोना रहता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो UP बिहार और महाराष्ट्र के किसानों की अपेक्षा वो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, वे संसाधनों में समृद्ध हैं, तो इसलिए वो अपना फसल उत्पादन करने के बाद उनका अधिक प्रयास रहता है कि वो MSP यानी जो सरकारी रेट है, सरकारी जो उनका मंडियां हैं उनमें वो अधिक से अधिक मात्रा में वो अपने अनाज को बेचते हैं। तो आप समझिए, जब भारत में सिर्फ 6% ही किसान MSP पर बेचते हैं, और अभी UP बिहार की अगर गणना करें तो लगभग 1 से 2% ही किसान MSP पर अपने अनाज को बेच पाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ की जो सरकार है उस पर ध्यान ही नहीं देती। आप अपने गांव में ही पता कीजिए, पता करेंगे, सर्वे करेंगे ये तो आप यही पाएंगे कि बहुत मुश्किल से 2-4 किसान मिलेंगे जो सरकारी गल्ले की दुकान पर, सरकारी जो गोदाम है वहाँ पर अपने अनाज को बेच पाते हैं। वो क्यों नहीं बेच पाते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ के जो किसान वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके पास धन की उतना पर्याप्त मात्रा नहीं है, और वह फसल काटने के बाद वो अगर अपने अनाज को कहीं बेचेंगे नहीं तो फिर अगला फसल कैसे बोएंगे। और सरकार का जो प्रावधान है कि अगर आपका धान अक्टूबर या नवंबर में हो गया तो सरकार लेगी जनवरी में दिसंबर में, और आपको तत्काल पैसे की ज़रूरत है तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्राइवेट में बेचने के लिए मजबूर हैं। तो इसीलिए UP और बिहार के किसान उतना इस आंदोलन के लिए, इस कानून को लेकर उतनी सक्रियता उनके विरोध में उतना नहीं है, क्योंकि UP और बिहार के किसानों को पहले भी MSP नहीं मिलता था और अब भी उसका कोई मतलब नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट खेत जो आएंगे जो वो व्यापारी वो UP बिहार में थोड़ी आएंगे, वो तो उन्हें अधिक मात्रा में चाहिए तो वो पंजाब और हरियाणा में जाएंगे, और पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर MSP से कम खरीदेंगे तो पंजाब और हरियाणा किसानों का क्षति होगा, इसलिए वो अधिक मात्रा में आंदोलन कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। और सबसे अधिक अगर भारत में MSP पर खरीदारी होती है किसानों के अनाज को तो UP पंजाब और हरियाणा ही है। पंजाब और हरियाणा की सरकारें हैं ही सबसे अधिक मात्रा में MSP किसानों के अनाज को खरीदने का काम करते हैं। UP बिहार में तो बहुत मामूली सरकारी अनाज, सिर्फ वो कोटा पूर्ति होती है कि कागजों में इतना किसानों से खरीदा गया, वो किसान नहीं बेचता है, वो सब व्यापारी बेचते हैं लोग। किसान तो अपने किसी तरह से उसको तत्काल पैसे की जरूरत होती है, वो 18 रुपये का धान इतने समय 10-11 रुपये बेच रहा है। हम लोग खुद 10 11 12 रुपये किलो बेचे, हम खुद किसान हैं, खुद पैदावार करते हैं, हमें ज़मीनी हकीकत पता है। तो आप लोग इस भ्रम में न रहिए कि किसानों का जो कानून है किसानों